एडीना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। पता है NH86 लेहदरा नाका भोपाल रोड सागर मध्य प्रदेश। वैक्सीन के महाअभियान की शुरुआत MP में आज से हो गई है। बैतूल में एक महिला सफाई कर्मी को पहला टीका लगाया गया। वैक्सीन लगने के बाद सफाई कर्मी मंजू का सभी ने तालियां बजाकर उत्साहवर्धन किया। बता दें कि पहले दिन सफाई कर्मी स्टाफ नर्स वार्ड बॉय डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टरों को टीका लगाया गया है। वैक्सीन महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसका प्रसारण जिला अस्पताल बैतूल में भी किया गया। जैसे ही शुभारंभ हुआ वैसे ही बैतूल में भी वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हो गया। सबसे पहले वैक्सीन जिला अस्पताल के कोरोना वार्ड में काम करने वाली महिला सफाई कर्मी मंजू बामने को लगाई गई। इसके बाद जिन 10 लोगों को वैक्सीन लगाई गई उनमें CMHO डॉक्टर प्रदीप धाकड़, सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक वारंगा, डॉक्टर AK पांडे, डॉक्टर नूतन राठी, भाजपा के विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे, स्टाफ नर्स नागरानी सोमनी वर्गीस, सफाई कर्मी बिक्की ढोलेकर और डॉक्टर दीप साहू शामिल हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए महिला सफाई कर्मी मंजू बामने अपने पति के साथ जिला अस्पताल पहुंची थी। मंजू और उसका पति वैक्सीन लगने से दोनों खुश नजर आए। दोनों का कहना है कि उनके लिए यह सौभाग्यशाली क्षण है। जिस वैक्सीन का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी वह वैक्सीन सबसे पहले उन्हें लगी। कैसा लग रहा है वैक्सीन लगने? बहुत अच्छा लग रहा है और हम चाहेंगे कि आगे भी और भाई बहनें ऐसे ही लगाए खुश होके और दूसरे लोगों को जागरूक करें। आप सबसे पहले लगवाई है, क्या मैसेज देना चाह रही हैं समाज? सर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे हम है वैसे वो भी है, अगर वो हमारे समान सोचे या समझे, इस बीमारी से लड़ने की क्षमता रखे तो वो आगे बढ़ के ये कोरोना का टीका लगे। आपके साथ कौन आया था? मेरे पति आए हैं। क्या उन्होंने क्या बोला था आपको जब उन्होंने कहा था कि बिल्कुल डरना नहीं, बिंदास होकर टीका लगवाना, और मैंने वैसे ही किया और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बता दें कि बैतूल जिले में फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगने के लिए जो सूची तैयार की गई है उसकी संख्या 9141 है और बैतूल को 10,700 वैक्सीन की खुराक मिली है। वैक्सीनेशन को लेकर कलेक्टर राजेश सिंह ने सभी वैक्सीन के लाभान्वितों को समझाइश दी है कि पहले डोज के बाद 28 दिन तक मास्क लगाकर रखें, हाथ सैनिटाइज करें और पूरी तरह से सावधानी बरतें। उसके बाद दूसरा डोज लगेगा और दूसरे डोज के बाद 14 दिन तक सावधानी बरतनी है। सर आज वैक्सीन का शुभारंभ हुआ है तो पहले किनको वैक्सीन लगी है और सर क्या हिदायतें दी जा रही है इसको लेकर? तो बड़ी खुशी का विषय है जिसको आप सब लोगों ने भी देखा कि बैतूल जिले में जो पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ उसकी भी शुरुआत हुई। हमने सबसे पहले श्रीमती मंजू बामने जो हमारी हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में सफाई कर्मचारी हैं उनको लगाया और इसके बाद तुरंत हमारे विधायक साहब हैं जो खुद डॉक्टर हैं डॉक्टर योगेश पंडाग्रे उनको लगा, डॉक्टर प्रदीप धाकड़ जी जो हमारे CMHO हैं सिविल सर्जन हैं अन्य डॉक्टर साहब लोगों ने लगाया और इसी तरह से ये शुरुआत हमारे दो अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों भैंसदेही और आमला में भी आज हुई है। आज तीनों केंद्रों पर लगभग 100-100 व्यक्ति वैक्सीनेशन कराएंगे। बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है, आप सबने देखा कितना अच्छे से ये संपन्न हुआ कार्यक्रम कि पहले उनको प्रतीक्षा कक्ष में उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पहचान का वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर एक दो प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद टीकाकरण हो रहा है और इस जिस कक्ष में हम लोग खड़े हैं ये प्रतीक्षा कक्ष है, बाद में आधे घंटे बाद ये देखने के लिए कि कभी किसी को कोई परेशानी कोई रिएक्शन तो नहीं है। यहाँ हमने सब TV लगा रखा है, सब लोग घरू माहौल में अच्छे से बैठे हैं जिससे और अपने को एट ईज महसूस करें और ये अच्छा हो भी रहा है। सभी डॉक्टर साहब लोग भी सब लोग हैं। अब ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है और बहुत बड़ा लक्ष्य है और आप सब लोगों के सहयोग। अगले डोज तक लगने में क्या सावधानी बरतना है लोगों को? सावधानी तो जैसा आप लोगों ने देखा कि बताया गया है कि हमें कोविड के जो व्यवहार है उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, मास्क पहनना है, दूरी रखना है, अपना हाथ धोने हैं, साफ सफाई रखनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। हमको ये नहीं मानना है कि आज पहला डोज लग गया है कि हम उसके अपने व्यवहार को बदल दें। अभी जब 28 दिनों 30 दिनों बाद दूसरा डोज लगेगा और फिर इसके बाद 14-15 दिन बाद वो थोड़ा सा और बेहतर उसके एंटीबॉडीज बनने लगते हैं। तो ये सब हम लोगों को अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं करना है, अपने लिए भी और समाज के लिए भी।
पहले जो 10 लोग हैं उनमें आपको आज वैक्सीन लगी है, क्या मन में डर था या क्या संदेश देंगे इसको लेकर? ऐसा कोई डर नहीं था। एक तो जो देश के वैज्ञानिक हैं उन पे हमको पूरा भरोसा है, जिस तरह से उन्होंने अपने ट्रायल्स किए थे और जो सर्वे किया था उसी के आधार पर ये वैक्सीन लॉन्च की गई है। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और देश के वैज्ञानिकों के इतने सार्थक प्रयास के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता से दुनिया के जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, इसके लिए देश के लिए यह बड़ी गर्व की बात है और सभी लोगों को, सभी देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ। लेकिन अभी भी हमको कुछ प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। अभी लगभग जो सेकेंड डोज होगा उसके 15 दिनों बाद ही एंटीबॉडी बनेगी, तो तब तक के सभी लोगों को वैसे ही कोरोना के नियमों का पालन करना है। शुरू में बहुत थोड़ा बहुत संदेह था, लेकिन अभी वैक्सीन लगने के बाद मैं अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। और भी बाकी मेरे जो डॉक्टर साथी हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उन सभी को यहाँ पर वैक्सीन लगाई गई है, किसी को भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। मेरा सभी जो वैक्सीन लगा रहे थे वो ग्लव्स नहीं पहने हुए थे, क्या कारण था? देखिए, ये सभी जो प्रोटोकॉल से बनाए गए ये वैज्ञानिकों ने पूरे अपने सर्वे के बाद, पूरे अध्ययन के बाद बनाए हैं, तो उसी नियमों का पालन किया जा रहा है। उन्हें बताया गया कि ग्लव्स पहनना नहीं है, लेकिन स्पीड से हाथ क्लीन करना है। तो जो सिस्टर को आपने देखा वो बार बार स्पीड से अपने हाथ क्लीन कर रही है लेकिन ग्लव्स नहीं पहन रही है। कॉटन लगाने के लिए मना किया, मेरे मन में संदेह था, मैंने कहा आपने कॉटन से पहले क्लीन नहीं किया था। उन्होंने बताया कि इस तरह के ये सारी चीज़ों के लिए मना किया गया है, जो नियम बनाए गए हैं केवल उन्हीं का पालन किया जा रहा है और सिस्टर पूरी तरह से उन सारे नियमों का पालन करते हुए वैक्सीनेशन कर रही है। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज़। एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। बी फार्मा, एम फार्मा, बी टेक, एम टेक, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। समय समय पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, इंडस्ट्रियल विजिट कैंपस प्लेसमेंट, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, सर्वाधिक ग्रीन कैंपस, एक्स्ट्रा क्लासेस वीक स्टूडेंट्स के लिए, शहर के शोरगुल से दूर बस सुविधा शहर के कोने कोने से उपलब्ध है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। हमारा पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 7987796396, 8109570490।